अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुज़ीन फ्रेग्रेंस। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। हमने इतनी ढेर सारे स्वीट्स और ये बहुत कलरफुल डिफरेंट फ्लेवर के स्वीट्स जस्ट ब्रेड को यूज़ करते हुए बनाए हैं। सो यकीन आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने इतने डिफरेंट कलरफुल स्वीट्स किस तरह से रेडी किए हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, शुगर, मिल्क, टूटी फ्रूटी और कोकोनट पाउडर। और उसके अलावा मेरे पास कुछ कलर्स हैं और कुछ फ्लेवर्स हैं, एसेंस जिनको कहते हैं। तो इनको यूज़ करते हुए हमने इतनी डिफरेंट मिठाइयाँ रेडी की हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये ब्रेड है, इस ब्रेड को हम बारीक तोड़ लेंगे। इनको तोड़कर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। चूरा आप इसको ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी यूज़ करते हुए कर लीजिएगा। ये देखिए इस फॉर्म में हो गई है। सो इसके बाद अब हम अपने पैन में घी या बटर यूज़ करेंगे। आप घी और बटर यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम डाल देंगे 6 to 7 इलायचियाँ। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और ये जो हमने ब्रेड को तोड़ कर बिल्कुल पाउडर बना लिया था इसको अच्छे से इससे फ्राई कर लेते हैं। और जैसे ही इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए, ताकि ये हर तरफ से थोड़ी सी फ्राई होकर इसका टेस्ट अच्छा सा हो जाए। तो साथ ही हमने इसमें ऐड किया है 1 कप शुगर। अब शुगर के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम 1 ग्लास मिल्क। और इस मिल्क के साथ ही देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको हमने इसको इस तरीके से दबा दबा कर अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक डोगी फॉर्म बन जाए। तो इस तरह से हमने ये डो रेडी कर लेनी है जो सिर्फ ब्रेड, चीनी और दूध से हमने बनाई है। सो यहाँ पे ये देखिए, इसमें मैंने कोकोनट पाउडर भी ऐड कर लिया है और इसको मैं अच्छे से दोबारा इसको मैश करती रहूँगी ताकि ये बिल्कुल डो फॉर्म बन जाए। और यहाँ पे ये बिल्कुल जो फॉर्म में बन चुकी है सो उसको यहाँ पर स्टेज में मैं निकाल लूँगी। और इसको इस तरह से मैंने पैटर में ठंडा कर लिया था और अब मैं इसको पार्टीशन कर लूँगी। मुझे जितने कलर्स चाहिए या जितने भी मैंने डिफरेंट कलरफुल्स रेडी कर लिए हैं। सो यहाँ सबसे पहले मैंने इसमें रेड कलर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि रेड कलर में रेडी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरे रेड कलर में ये डो रेडी हो चुकी है। और मैं इसको इकट्ठा करने के लिए थोड़े से अपने हाथों पर घी को यूज़ कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा स्टिकी मत हो। ठीक है, अब सेकंड में मैंने इसमें यहाँ पर ब्लू कलर एंड ब्लू बेरी फ्लेवर ऐड किया है। और इन दोनों फ्लेवर, ब्लू बेरी फ्लेवर और ब्लू कलर यूज़ करते हुए मैं अपनी एक और कलर की डो रेडी कर लूँगी। तो इसको भी मैं साइड पर कर लूँगी। देखिए इस तरह से ये भी सेपरेट हो चुकी है। सो अब नेक्स्ट में मैं इसको मैं चॉकलेट फ्लेवर दूंगी। इसमें चॉकलेट पाउडर और चॉकलेट एसेंस ऐड करूंगी। ये चॉकलेट एसेंस है और मैं इसमें चॉकलेट फ्लेवर ऐड करके इसको भी अच्छी सी डो रेडी करके इसको भी साइड पर कर लेते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे मेरी चॉकलेट में भी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो आप ये देखिए हमने सिर्फ एक ब्रेड से कितने कलरफुल डिफरेंट फ्लेवर की डो रेडी किया है। और यहाँ पे मैं ये दो फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, कुल्फा एंड कोकोनट। आपको ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये फ्लेवर नहीं है तो आप सिर्फ कलर यूज़ करके भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्योंकि मैंने कोकोनट फ्लेवर यूज़ किया तो उसमें मैंने थोड़ा कोकोनट पाउडर भी ऐड कर लिया और इस डो को भी मैं अच्छे से मिक्स करके इसको भी सेपरेट कर लूँगी। और इसमें मैं ऑरेंज कलर और ऑरेंज फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो से भी कलर्स हैं या जो फ्लेवर्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्लेवर नहीं है और सिर्फ कलर्स हैं तो आप जस्ट वनीला एसेंस तो नॉर्मली सबके पास अवेलेबल होता है, उसको यूज़ करते हुए भी ये रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट एंड ब्राउन कलर में मेरे पास डो रेडी है। अब इन डो से हम डिफरेंट शेप्स में बहुत ही यमी सी अपनी स्वीट्स रेडी करेंगे। ये बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने वाइट कलर में से कुछ लिया है और मैं इसको इस तरह से एक नाइफ या आप किसी भी स्पैचुला की हेल्प से इसको इस शेप में दे सकते हैं। और आप इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ। बस इनको आपने हैंडल करने के लिए साथ साथ अपने हैंड्स ग्रीस करते रहना। और अब इसको मैंने कोकोनट पाउडर में डिप कर लिया क्योंकि ये मेरे पास कोकोनट फ्लेवर वाली था तो इसको मैंने कोकोनट में डिप कर लिया। तो इस तरह से ये देखिए ये भी मेरी रेडी हो चुकी हैं। और जो दो में मैंने टूटी फ्रूटी
इसमें एडजस्ट कर लिए। सो इससे देखिए बहुत ही इसकी प्यारी सी लुक क्रिएट हुई है। ये देखिए ये बहुत ही यमी थी, हमारी स्वीट रेडी हो चुकी है। इसको भी हम अपने प्लेटर में एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ को मैंने कोकोनट उसके ऊपर स्प्रिंग में डिप कर दिया था, कुछ को हमने टूटी फ्रूटी ऐड किया है, और अभी मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, और इस ब्लू कलर को भी हम एज इट इज इसी शेप में रेडी कर लेते हैं। ब्लूबेरी फ्लेवर में हमारी स्वीट्स रेडी हुई हैं। इसके ऊपर हम कलरफुल से स्प्रिंकल कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास जोन से भी स्प्रिंकल्स अवेलेबल हैं, या कोई ड्राई फ्रूट अवेलेबल है, कुछ भी है, तो आपको आप डिफरेंट चीज़ों को यूज़ में लाते हुए इनकी बहुत ही अच्छी सी लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने कुछ में दोबारा टूटी फ्रूटी ही ऐड किया है, वाइट एंड ब्लू में टूटी फ्रूटी बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है। तो ये देखिए अब मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर वाली डो ली है, इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी, इसको मैं हाफ कर लेती हूँ। आप जैसे चाहें इनकी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। अगर आप कोई शेप भी नहीं देना चाहते तो जस्ट स्क्वायर शेप तो बहुत ईजी है, आप इसी सर्कल से सर्कल शेप भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर जो मेरे पास वाइट डो मैंने थोड़ी सी साइड पर की थी, वो इसके साथ मैंने चॉकलेट और वाइट को कॉम्बिनेशन इनका कर दिया। सो साइड से हम इसको कट लेते हैं और इसको हम रोल बना लेते हैं इस तरह से। देखिए अब इसको अच्छे से स्मूथ करने के बाद इसको भी हम कट कर लेंगे, तो ये हमारी स्विस रोल की शेप आ जाएगी, और हम इसको स्विस रोल शेप में, देखिए मैंने नैप पर भी थोड़ी सी बटर या घी लगा लें ताकि ज़्यादा स्टिकी मत हो। ये देखिए तो इस तरह से प्रेस करके ये भी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चॉकलेट प्लस कोकोनट फ्लेवर में स्वीट्स रेडी हो चुकी हैं। सो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लगती जा रही हैं, और इस तरह देखने से बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि सब स्वीट्स सिर्फ एक ही वे से हमने रेडी किए, जस्ट कलर्स एंड फ्लेवर्स के साथ हमने इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। सो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैं इसको प्लेन चॉकलेट में शेप में ही रहने दूंगी, और इसके ऊपर मेरे पास चॉकलेट स्प्रिंकल्स हैं तो मैं चॉकलेट स्प्रिंकल्स ऐड कर लूँगी या चॉकलेट चिप। ये देखिए सो मैं यहाँ पर चॉकलेट स्प्रिंकल्स इसमें ऐड कर देती हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, और किसी इवेंट में भी हम इजीली अपना प्लेटर रेडी करके रख सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी भी है, बहुत ही क्विक से रेडी हो जाता है, और हम कहीं पर भी इसको किसी भी टाइम पर फौरन सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी प्लेन चॉकलेट स्वीट्स भी रेडी हो चुकी हैं। सो ये रेड कलर था जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड किया था और रेड कलर। सो ये देखिए मैंने हार्ट कटर्स थे मेरे पास, तो मैंने उनको छोटा सा बच्चों की अट्रैक्शन के लिए इस तरह से इनको भी सेपरेट कर लिया है। तो यहाँ पे ये ऑरेंज और येलो सब कलर है इसका, और इसके मैंने सिर्फ बॉल से बना दिए, लाइक लड्डू टाइप बन चुके हैं ये, और इनके ऊपर मैं कोकोनट में इनको स्प्रिंकल कर लूँगी, तो इनकी भी लुक बहुत ही यमी सी हो रही है। ये देखिए इस तरह से लगते सारे ये स्वीट बॉल्स रेडी हो जाएंगे। ये भी इनको हम इस तरह से देखिए हमारा प्लेटर कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ब्लू कलर है, मैंने सारे कलर्स यूज़ कर चुकी हूँ, अब जो थोड़े थोड़े कलर सारे डिफरेंट किए थे इन सबको मैं अब एक साथ इनकी लेयरिंग कर दूँगी, और लेयरिंग के साथ ताकि और अच्छी सी शेप की भी हमारे पास स्वीट्स रेडी हो जाएंगे। सो ये आप देखिए सो ये वाइट कलर भी थोड़ा सा था, सो इसको हम इस तरह से इक्वल करते हुए सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब हम इसको भी नाइफ की हेल्प से कट कर लेते हैं, और आप ये देखिए जब हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा शेडी सा हमारा स्वीट्स रेडी होंगे, जिसमें डिफरेंट शेड्स आ रहे होंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी कलरिंग आई है, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है,
और ये बच्चों के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है। डेफिनेटली जो मिठाइयाँ वगैरह भी होती हैं वो इसी तरह बहुत ही कलरफुल सी होती हैं जो कि हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो सेम ये मिठाइयों की तरह हमने अपनी सब चीज़ें रेडी की हैं। इनके ऊपर मैं ये सिल्वर बॉल्स लगा दूँगी। तो इस तरह से आप लोग भी सिर्फ ब्रेड को यूज़ करते हुए बच्चों के लिए और अपने किसी भी इवेंट या फेस्टिवल में इस डिश को ऐड कर सकते हैं। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद न्यू रेसिपी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ऑलवेज टेक नाइट विद कुज़ीन इंस्ट्रक्शंस फॉर द यम्मीएस्ट एंड न्यू रेसिपी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।